आपने बताया कि वो जब आप शादी करने वाले थे राबिया से, अपनी वाइफ से, तो आपने उनको पहले बताया कि भाई ये मेरी दोस्त है, इंट्रोड्यूस कराया? बात है कि हमारा एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है ना मीडिया के लोगों पर, स्पेशली कि आपने दोस्त से, अच्छा फिर ऊपर से एक इतना पक्का टीट किस्म का रोमांटिक प्ले, और दूसरे में आप मियां बीवी भी कर रहे हो, और आप लोगों को तो नहीं पता कि आप एक दूसरे की कितनी ज्यादा इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। लोगों के जहनों में तो फतूर के अलावा पहली चीज तो आता ही फतूर है। सो लोग इतने नेगेटिव हैं कि आ जाती है उनके जहन में एक सोच, अप्रोच आ जाती है, तो उस चीज को डेफिनेटली होगी। तो मैं और मशहूर भी हुआ उस जमाने में, बिकॉज लोगों ने देखा जी दो प्रोजेक्ट हम दोनों ने साथ किए हैं, ये तो वो मैंने उसको वैसे मैंने there is nothing to worry about. She's a great friend and she's a kind of a person I can really rely on. Aur pareshan hone ki zarurat nahi. baat mein bhi aap unko bolte rahe ya uske baad kabhi kuch aise zarurat very comfortable with her. And then I met Rabia, he introduced me to Rabia because humne kaam bhi to karna tha na aage. और फिर राबिया, एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, राबिया एक दो दफ़ा कराची आई तो खुद राबिया केम एंड मेट एंड स्पेंड टाइम विद मी, एंड लाइक मेरी और उसकी अलग दोस्ती है ना, तो इवन माय सन वाज हियर, सो शी सेड टू हिम दैट के अगर कभी कोई मसला तुम्हें बने सो यू टेक माय नंबर, यू कॉल अभी बेटे ने माशाल्लाह काम शुरू किया है। कहने का मकसद है कि आई टोल्ड हिम आफ्टर गोइंग बैक, मैंने उसको कहा मैं कहा यार कोई मसला हो यू कैन इजीली कॉल हर अप, शी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो यू सी ये काम, ये कितने लोग हैं जो मीडिया में ये इस तरह इतने एतमाद से एक दूसरे के लिए कह सकते हैं मैं गारंटी लिख के देता हूँ नहीं होंगे, बहुत कम। और इसलिए हम कर भी रहे हैं इंटरव्यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी दोनों की कॉमराडरी है। और मैं माशाल्लाह सारे खानदानों से भी मिला तो ये भी मेरे लिए बड़े एजाज सारे खानदानों से आप अप्रूव करते थे पहले, आपसे आती थी अच्छी बात है। सेमी आई मेट सेमी जी और सेमी जी इज अ लवली डार्लिंग ह्यूमन बीइंग, मैं उनको छेड़ा था हम एयरपोर्ट पे मिले ना तो अतीका वॉज विद सैमी जी, तो मैंने सैमी जी को मैं कहा सैमी जी कम से कम तुम मैं फोन करके पूछ लेंगे मैं अतीका ना यार मैं मतलब दस दिन का मैं तो बड़ी चंगी तरह जानना ये कंफर्टेबल या ऑफ कोर्स बट ही इज अ जेम ऑफ अ गाय एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्लेसिंग अल्लाह ये ऐसे ही खुश रहे बिल्कुल दोनों माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताएं जब आप अतीका जी को शुरू में देख रहे थे सिंगल मदर स्ट्रगलिंग, क्या आपको उस वक्त ख्याल आता था? मुझे क्योंकि आई मीन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं और मुझे मालूम है द रीजनिंग ऑफ व्हाट एवर हैपेंड इन हर लाइफ एंड एवरीथिंग, सो इट वाज ऑलरेडी इन माय नॉलेज एंड आई वाज फीलिंग बैड कि शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये भी बड़ी दबंग खातून है और मैं इसीलिए ये बल्कि बर्मला कहता हूँ हर जगह बैठ के, क्योंकि एक्ट हमारी एक एसोसिएशन ही है वो, मैं क्या आपको अगर हमें किसी लीडर की जरूरत है ना तो ये है द राइट पर्सन, बिकॉज हमारे उस बंदे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पे खड़ा होकर हमारे हक में इस तरह की बात कर सके, तो शी इज़ दी ओनली वन हु कैन से सो एंड डू सो। नहीं सही कह रहे हैं आप, और मुझे पता है टाइम आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है स्टोरियां सुनते हुए, और शायद हम दोबारा कभी चांस हुआ तो खाने पे बुलाओ तो इंशाल्लाह इसी तरह और भी स्टोरियां सुनाइए। मीर बालाज एंड शाहताज माय फेवरेट, आई वाज इन लव विद दैट यू नो ऑन स्क्रीन कपल एट दैट टाइम आल्सो, और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि जाके देखना चाहिए वो ड्रामा, यू नो कितना खूबसूरत उसमें एक्चुअली ट्रेडिशनल वो बहुत यस यस या ऐसे बनते नहीं है, अभी भी नहीं बनते। उसका एक बेहतरीन पार्ट द अदर डे वी गाइस वर डिस्कसिंग, उसके 60 बंदों का क्रू बैठा हुआ था गवादर में जिसमें से 30 क्रू के लोग थे और 30 एक्टर्स थे, सो रोज सुबह दो ग्रुप्स बनते थे, सो दो टीमें बनती थी, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, और दोपहर का खाना सुबह 5, 5:30, 6, 7 बजे हमारे साथ लोकेशन पर जाता था, और जब हम खाना खा रहे होते थे तो रोटी एक दूसरे को पकड़ा के खींच के तोड़ते थे, गर्म तो आपने बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे आगे गए हुए हैं, तो वो कितना हार्डवर्क, वेरी हार्डवर्क, और उसका सिला भी कितना मिला, कितना हार्डवर्क, मेहनत थी। अब जो है अब उस जमाने में रिफ्रेशमेंट का दौर नहीं था, अब तो सेट पे रिफ्रेशमेंट्स भी मिलती हैं और उसके बावजूद एक्टर नाखुश है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट सवाल मेरा आप लोगों से, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए और आप लोगों ने देखा है 47 की जो शूटिंग थी 47 में वो पार्टी जन अम्मी करवाई थी
रीफ्रेज कर दूं, रीफ्रेज कर दूं कि आपको क्या लगता है, अब जो कंटेंट पे बात होती है, आप लोग ही थे ना वहाँ पे मौजूद थे जब ये सब सफ़र हो रहा था, किधर गिरी, क्या चीज़ गिरी, और जो लोग आप लोगों के साथ थे उनका क्या रोल था जो वो नहीं कर सके, या कहाँ चूक हुई कि अब इतनी डिस्कशन होती है कंटेंट पे और इतनी डिस्कशन होती है कि वो चीज़ नहीं आ पाई जो तब थी। पहले आर्ट था, अब कॉमर्स। So okay, but my question is, so I agree, I understand with what you're saying, और इसमें बहुत दफ़ा, but my thing is कि हम जो उस वक्त players थे उनमें आप लोग जो actors भी थे उनकी भी तो थोड़ी बहुत responsibility, अगर हम बोलें नहीं होती, आपको लगता है कोई नहीं थी या आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी, उनमें से बहुत से लोग production में भी तो गए, उनमें से बहुत direction और production में भी गए, तो कहीं वहाँ नहीं आया। एक्टर तो पपट है, उसको तो आपने हायर करना है, उसके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको उसके पैसे देने हैं, जो उसकी मार्केट होल्ड करेंगे आपने उसको पैसे देने, उसे काम करवा देना। मरा कहाँ पे डायरेक्टर, मरा कहाँ पे प्रोड्यूसर, मरा प्राइवेट। मैं आज भी कसम खा के कहता हूँ किसी भी डायरेक्टर को जरूरत नहीं है अपनी मर्जी के मुताबिक शूट कर सके, क्योंकि आपके तीन चौधरी आके बैठ गए इस मीडिया के ऊपर, तीन चैनल्स जो इंटरटेनमेंट चलाते हैं फुल फ्लेज, और उनकी इजारादारी है, उन्होंने मीडिया बर्बाद किया है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे का, उन्होंने बंदिशें लगा दी हर चीज़ के ऊपर, राइटर के ऊपर। एक दौर में जब ड्रामा बनता था तो प्रोड्यूसर मार्केट में आता था, वो आके एक डायरेक्टर से बात करता था, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये वन लाइनर है, उसके लिए एक राइटर के पास जाया जाता था, उसको इंगेज किया जाता था, प्रोड्यूसर निकल जाता था, राइटर और डायरेक्टर बैठते थे, वो कहानी को एपिसोड वाइज बनाते थे, पहले सिनॉप्सिस बनती थी, फिर एपिसोड वाइज बनता था, फिर उसके बाद कास्टिंग की जाती थी, फिर शूटिंग पे जाया जाता था। आज क्या हो रहा है, आज एक चैनल क्यों करके बुलाता है एक डायरेक्टर को, उसको स्क्रिप्ट देता है, उसको कहता है ये पाँच बंदे हैं शूट करके ले आओ, उस आदमी की क्रिएटिविटी किधर गई जो कि डायरेक्टर है। और उसमें ये नहीं है कि नुमान एजाज एक फन्ने खान है, बड़ा एक्टर है तो उसको वो यूँ कर देगा, वो गलत भी लिखा है तो नुमान एजाज ने बोलना है गलत, अगर नहीं बोलेगा नुमान एजाज गलत तो फिर वो बैन हो जाएगा हमारे पास। छोटे दिलों के लोग, फियर्स बहुत ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा है, डायरेक्टर पर भी खौफ है वो क्या क्रिएटिविटी डालेगा, एक्टर पर भी खौफ है वो क्या डेवलप करेगा उस डायरेक्टर को, वो कहाँ जान लड़ाएगा उसके साथ। Are you getting my point? Yeah. So basically, आपके ब्रॉडकास्टर ने आपके ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, sad situation, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि चीज़ें इम्प्रूव हो और बेहतर हो, चल रहा है सिलसिला आप लोगों का भी, हमारा भी। नहीं, अभी हमें एक्टर्स एसोसिएशन यही बात हो रही है, हाउ मच द एक्टर्स हैव टू पुट इन इनपुट आल्सो। या आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीस यूनियंस, फ्रैंकली। या